अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की हालिया घुसपैठों की वजह एक जड़ी है। इंडियन थिंक टैंक IPCSC यानी इंडो पैसिफिक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन ने हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट में दावा किया है कि चीनी सैनिक कार्डियोसेप्स चुराने की फिराक में भारतीय क्षेत्र में दाखिल हो जाते हैं। कार्डियोसेप्स को हिंदी में कीड़ा जड़ी और आम भाषा में हिमालयन वियाग्रा भी कहते हैं। तो आइए आज के एक्सप्लेनर में जानते हैं कि आखिर ये कीड़ा जड़ी क्या है जिसके लिए चीनी सैनिक घुसपैठ तक करने को तैयार है। कीड़ा जड़ी एक तरह का जंगली मशरूम है। यह हैपिलस फैब्रिकस नाम के एक कीड़े की इल्लियों यानी कैटरपिलर्स को मारकर उस पर पनपता या उगता है। पीले भूरे रंग की इस जड़ी का आधा हिस्सा कीड़ा और आधा हिस्सा जड़ी जैसा दिखता है, इसलिए इसे कीड़ा जड़ी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कार्डियोसेप्स साइनेसिस है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ये कैटरपिलर और फंगस का रेयर कॉम्बिनेशन है। कीड़ा जड़ी 2 इंच लंबा होता है। इसका वजन 300 से 500 मिलीग्राम होता है। कीड़ा जड़ी मुख्य रूप से भारतीय हिमालय और दक्षिण पश्चिम चीन में किंघई तिब्बती पठार में काफी ऊंचाई पर पाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक ये सिक्किम में 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर भी पाया जाता है। इतनी ऊंचाई पर ट्री लाइन खत्म हो जाती है, यानी जहां के बाद पेड़ उगने बंद हो जाते हैं। ये भारत, नेपाल और भूटान के अन्य भागों में भी पाया जाता है। द वीक के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में 1 किलोग्राम कीड़ा जड़ी की कीमत 65 लाख रुपए तक है, यानी ये सोने से भी महंगा है। 2022 में कॉर्डिसेप्स के मार्केट वैल्यू करीब 107 करोड़ रुपए आकी गई है। चीन और भारतीय हिमालय वाले इलाकों में पारंपरिक चिकित्सक किडनी इन्फेक्शन और नपुंसकता जैसी बीमारियों में इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं सिक्किम में पारंपरिक चिकित्सक और स्थानीय लोग 21 अलग अलग बीमारियों में कीड़ा जड़ी का उपयोग करने के लिए कहते हैं। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट इसके फायदे के बारे में बहुत कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को कॉर्डिसेप्स में पाए जाने वाले बायो एक्टिव मॉलिक्यूल कार्डिसेपिन से बहुत उम्मीद है। इसमें बड़ी चिकित्सीय क्षमता है और ये एक दिन एक प्रभावी नए एंटीवायरल और एंटी कैंसर उपचार में बदल सकता है। चीन में कीड़ा जड़ी का इस्तेमाल प्राकृतिक स्टेरॉइड की भी तरह किया जाता है। फौरी तौर पर शरीर की एनर्जी बढ़ाने की क्षमता की वजह से चीन में ये जड़ी खिलाड़ियों को, खासकर एथलीटों को दी जाती है। ये करामाती जड़ी 2009 में स्टुअर्टगार्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान भी सुर्खियों में आई थी। चैंपियनशिप में 1500 मीटर, 3000 मीटर और 10000 मीटर वर्ग में चीन की महिला एथलीटों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया था। लेकिन पिछले 2 सालों में चीन के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र किंघाई में फंगस की कमी से कीड़ा जड़ी की फसल में काफी कमी देखी गई है। इसकी वजह चीन का मिडिल क्लास है, जो साइंटिफिक एविडेंस की कमी के बावजूद किडनी इन्फेक्शन से लेकर नपुंसकता जैसी बीमारियों का इलाज इससे करते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।